हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं वोल्टास लिमिटेड पे। देखिए, टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास के क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए वो ठीक नहीं रहे। वही अगर हम बात करें कि जो उसकी आप कह सकते हो इसी वजह से जो कंपनी के जो शेयर थे, जो फ्यूचर्स के तो लेकर जो ब्रोकरेज की उम्मीदें थी वो थोड़ी सी हमें सहमे हुए नजर आए। सेंट्रल ब्रोकिंग नेम 795 रुपए की टारगेट प्राइस के साथ वोल्टास के शेयर में कटौती की सलाह दी थी। मतलब इतना कुछ आप कह सकते हो 795 तक इसमें कम से कम नियर अप्रोक्स, लेकिन क्लोज जब हुआ मार्केट में तो 798 पे हुआ। देखिए, BSE के इंडेक्स में वोल्टास की जो मौजूदा आप देख सकते हैं वैल्यू क्या रही है, और अभी मैं NSE के इंडेक्स पे आप लोगों को दिखा रही हूँ जो कि देखने को मिली हमें 798 के। गाइस, देखिए, बीते हुए कुछ फ्राइडे में आप कह सकते हो इसमें नियर अबाउट 1.29% की गिरावट देखने को मिली। एंड अब 27 जनवरी 2023 को भी शेयर ने 737 रुपए 60 पैसे के, मतलब 52 वीक की जो लो था उसको टच किया था। एंड गाइस, जो उसके रिजल्ट थे बड़े ही सुस्त रहे। आप क्या कह सकते हो, एयर कंडीशनर बनाने और इंजीनियरिंग सेवा कंपनी वोल्टास का जो नेट प्रॉफिट रहा मार्च 2023 में एंडेड फाइनेंशियल में जो क्वार्टरली फोर का था, 21.6% से घटकर 143 करोड़ रुपए पर आ गया। मतलब आप कह सकते हो 21% तक की गिरावट इसमें देखने को मिली इसके प्रॉफिट के अंदर। कंपनी ने इससे पहले, इससे पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर जो जनवरी मार्च के थे उसके क्वार्टरली में 182 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, वही अगर हम बात करें कंपनी की जो चलने की जो उसकी टाइम पीरियड है तो उसमें कम से कम वो 11.5% तक की बढ़कर आप कह सकते हो 2,936 करोड़ तक पहुंच गई है। पिछले साल की जो समान अवधि अब जो टाइम पीरियड था वो कम से कम 2,633 करोड़ रुपए थी। इस दौरान कंपनी का जो कुल खर्चा जो मौजूदा आप कह सकते हो नोट किया गया 13% से बढ़कर मतलब कह सकते हो 2,761 करोड़ रुपए तक रहा। तो इसी वजह से आप कह सकते हो फ्राइडे के दिन थोड़ी सी इसके अंदर नेगेटिविटी देखने को मिली, लेकिन पिछले 5 दिन के अंदर भी वोल्टास में गिरावट देखने को मिली 6% तक गिरा एंड 1 मंथ पर 3% तक। देखिए, 5 साल में इसने अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है 29% तक का। एंड अगर मैक्सिमम बात करो तो मैक्सिमम का देखिए 5,000 तक का इसने अच्छा खासा रिटर्न देगा। मतलब आप कह सकते हो कितने, मतलब जिन्होंने स्टार्टिंग से इन्वेस्ट किया होगा या फिर इस रुपए पे इन्वेस्ट किया होगा जब ये 125 का था, तो गाइस ये कम से कम 1000 तक भी पहुंचा था ये स्टॉक, 1200-1300 तक भी। लेकिन अभी हमें स्टिल आप कह सकते हो कि अगेन हमें जो स्टॉक सबसे पहले ऊपर 800 के लेवल पे चल रहा था और अगेन हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिली, तो कुछ ना कुछ इसके रिजल्ट है, फंडामेंटल इशू है जो कंपनी के शेयर प्राइस पे इफेक्ट डालते हैं। बाकी अगर आप लोगों की पोजीशन है इसलिए होल्ड करके चले, क्योंकि देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास और जो उसका बिजनेस है एसी से एंड एयर कंडीशनर से रिलेटेड, एयर कूलर से रिलेटेड, तो वो तो कभी खत्म होने वाला है नहीं गाइस। तो थोड़ा बहुत आपको पता है कंपनी में अप और डाउन आते रहते हैं जब उसके रिजल्ट आते हैं, तो हो सकता है आगे और ये अच्छा आपको उसका रिजल्ट देखने को मिले, थोड़ा सा और पॉजिटिव देखने को मिले आपके क्वार्टर में, तो इसलिए पोजीशन आप इजीली होल्ड करके जाएं। बाकी कोई रिकमेंडेशन फ्रेंड्स, स्टडी पर्पज से वीडियो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय गाइस, थैंक यू।